डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन एरे। देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन एरे। फर्स्ट ऑपरेशन इज ट्रेवर्सल, सेकंड इज इंसर्शन, थर्ड इज डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड देन मर्जिंग। तो हम वन बाय वन इन ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेवर्सल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रेवर्सल? ट्रेवर्सल इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग accessing each element of the array exactly once. That means, traversal means we want to access or process each and every element of the array. तो जब भी हम array के हर एक element को एक बार access करते हैं, उसे visit करते हैं, या ये कहें अगर हम C language की बात कर रहे हैं तो अगर हम उसे print करते हैं, that is known as array traversal. Traversal of an array is very simple. We have to vary an index from lower bound, that is represented by LB, to upper bound, that is represented by UB, in step of one to access each element. That means मुझे just क्या करना है, पूरे program को या पूरी list को lower bound से upper bound तक अगर हम access करेंगे, that is known as traversal. हम इसका algorithm discuss करते हैं. Suppose A is an array of size n, then the traversal algorithm is, first of all, किसी भी algorithm को रखने के लिए हम सबसे पहले उसका algorithm का नाम रखेंगे। हमारे algorithm जो है traversal का है, तो हमने इस algorithm का नाम यहाँ क्या रख दिया? Traversal. उससे पहले हम उसके return type लिखेंगे। Return type means कि ये function जो हम लिख रहे हैं, ये function किस तरह की value को return कर रहा है। ट्रेवर्सल का काम क्या है? हर एक एलिमेंट को एक बार प्रिंट करना। इट मींस ये फंक्शन किसी भी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट हियर वॉइड। तो वॉइड मींस अ फंक्शन दैट इज रिटर्निंग नथिंग। उसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शन नेम इज ट्रेवर्सल, रिटर्न टाइप इज वॉइड। उसके बाद हम बात करेंगे पैरामीटर्स पर। जब भी हम एरे की बात पर करेंगे तो हमेशा दो पैरामीटर तो पास करेंगे ही करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर इज द एरे ए एंड सेकंड इज द साइज एन। एन इज द साइज और वी कैन से लेंथ ऑफ द एरे ए। अब मुझे प्रिंट क्या करना है? एरे ए को प्रिंट करना है कहाँ तक? वन से लेकर एन तक। तो हमारा सिंपल एल्गोरिथम फॉर आई इज इक्वल टू वन टू आई लेस देन इक्वल टू एन इंक्रीमेंट हमने किया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आई। दैट मीन्स आई को हमने ए वन टू ए एन तक प्रिंट कर लिया। सपोज आई की वैल्यू थी हमारी फाइव, तो हियर वी प्रिंट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेवर्सल एल्गोरिथम ऑफ एरे। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज इंसर्शन। नाउ व्हाट इज इंसर्शन? इंसर्शन रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ एडिंग एन एलिमेंट टू existing list of element. After insertion, the size of the linear array is incremented by one. Insertion means हम एक new element को add कर रहे हैं। जब भी आप insert करोगे, insert करने से array की value increase हो जाएगी। कितने से? One से increase हो जाएगी। Insertion is possible only if the memory space allocated is large enough to add a new element. तो हमने लिखा इंसर्शन तभी पॉसिबल है अगर मेमोरी में स्पेस है। सपोज आपके पास, आपने एक एरे को मेमोरी एलोकेट करी, 10 लोकेशंस आपने एलोकेट करी और 5 अभी ऑक्यूपाइड है, देन यू कैन इंसर्ट हेयर। बट अगर आपके 10 की 10 लोकेशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आप उस एरे में एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इंसर्शन इज पॉसिबल ओनली इफ द मेमोरी स्पेस एलोकेटेड इज लार्ज एनफ टू एड द न्यू एलिमेंट। अगर मेमोरी स्पेस अवेलेबल है तभी आप एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट एनी लोकेशन द एलिमेंट्स आर मूव्ड डाउनवर्ड। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब भी आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा। उसके लिए एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि सपोज आई हैव एन एरे और एरे का साइज है मेरे पास 5 और एलिमेंट्स है उसमें 12, 15, 16, 21 और एक एलिमेंट है 7 और मेरे पास एलिमेंट्स है A1, A2, A3, A4 एंड A5। मुझे क्या करना है इस एग्जिस्टिंग एरे में? सपोज यहाँ स्पेस है अभी नीचे
हम इंसर्शन तभी कर पाएंगे अगर मेमोरी में स्पेस है। हमारे पास एरे ने अभी तक 5 लोकेशंस ऑक्यूपाई कर रखी हैं, बाकी लोकेशन सपोज जो है एरे की क्या है, फ्री लोकेशन है। फ्री लोकेशन है तभी हम एरे में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज इस एरे के अंदर मुझे इंसर्ट करना है, और सपोज इंसर्ट करना है मुझे एक आइटम, और आइटम की वैल्यू है 50, और मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ इसे एट लोकेशन, जिसको हम अपने प्रोग्राम में के से रिप्रेजेंट करेंगे। और लोकेशन कौन सी हम कह रहे हैं, थर्ड। थर्ड लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन थर्ड है आपकी, जहां पर ऑलरेडी क्या स्टोर्ड है, 16। मैं 16 वाले प्लेस पर 50 स्टोर करना चाहती हूँ। इट मीन्स मुझे 16 को कहाँ मूव करना पड़ेगा, यानी ए थर्ड एडले 16 को मूव करना पड़ेगा इस लोकेशन पर, 21 को मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट लोकेशन पर, और 5 को मूव करना पड़ेगा ये नेक्स्ट लोकेशन पर। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करना क्या है, ए 6 लोकेशन पर मूव करना है ए 5, ए 5th लोकेशन पर हमें मूव करना है ए 4, ए 4th लोकेशन पर मुझे मूव करना है ए 3। तीनों एलिमेंट्स मूव हो जाएंगे, ए 6 इज ए 5 करते ही इधर क्या आ जाएगा आपके पास, दोबारा से इसे हम ड्रॉ करते हैं, दिस वॉज 12, 15 एंड दीज आर द स्पेसेस हियर। सपोज दिस इज ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6, 7, नीचे स्पेस है और भी बना सकते हैं हम लोग। हमने बात किया कि ए 6 इज शिफ्टी टू ए 5 इज शिफ्टी टू 6 पोजीशन, तो ए 5 पोजीशन पर हमारा क्या था, 7। 7 कहाँ शिफ्ट हो गया, 6 पोजीशन पर, तो यहाँ पर तो क्या आ गया आपका, 7। ए 5 इज इक्वल टू ए 4, ए 5th पोजीशन पर हमने इंसर्ट कर दिया ए 4, ए 5th पर ए 4, दैट मीन्स ए 4 यहाँ पर आ गया 21। नेक्स्ट ए 4 इज ए 3, ए 4 लोकेशन पर ए 3, तो नीचे क्या शिफ्ट हो गया, 16। तो जब मैंने एलिमेंट्स को डाउनवर्ड शिफ्ट किया, तो लोकेशन के जो हम kth लोकेशन पर हम 50 इंसर्ट करना चाह रहे थे, ये लोकेशन क्या हो गई, फ्री हो गई। हमने सिंपली क्या लिखा, ए के इज इक्वल टू 50। 50 क्या, वो आइटम जो मुझे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 50। तो एलिमेंट को इंसर्ट हम करेंगे दो स्टेप्स में, पहले स्टेप में हम एलिमेंट्स को मूव करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग, हमने मूव कहाँ से करना है, अब देखिए हम कौन सी लोकेशन से मूव कर रहे हैं, के से लेकर, अभी एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो मुझे एलिमेंट्स को मूव करना है कहाँ से कहाँ तक, n एलिमेंट को करेंगे n प्लस 1 पर, इससे पीछे को यहाँ, इट मीन्स एलिमेंट्स मूव करने हैं मुझे n से लेकर k तक, और कहाँ मूव करने हैं, डाउनवर्ड लोकेशन में मूव करने हैं। तो एल्गोरिथम हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो आप देखें यहाँ पर एल्गोरिथम का नाम हमने क्या रखा, इंसर्शन, रिटर्न टाइप इज void, पैरामीटर पास ऑन किए, दो पैरामीटर तो पास करने ही है, इंटीजर टाइप एरे ए एंड इंटीजर टाइप एन जो कि साइज है। इसके अलावा दो चीजें हम और सप्लाई करेंगे, एक तो इंटीजर आइटम जो मुझे इंसर्ट करनी है, और के इज द लोकेशन वेयर आई वांट टू इंसर्ट। तो इंट आई हमने एरे का, आई एक आपने वेरिएबल लिया, लूप लगाया, हमने क्या कहा था, लूप हम कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, लूप लगाएंगे हम एन से लेकर के तक, एन से के तक ऊपर मूव करेंगे, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, 5, 4, 3 डिक्रीमेंट हो रही है। तो हमने लूप लगाया यहाँ पर, i इज इक्वल टू एन टू के आई माइनस माइनस एंड ए आई प्लस 1 ए आई। तो इन दोनों स्टेप्स के अंदर तो हमने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, हमने एलिमेंट्स को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। डाउनवर्ड शिफ्ट करते ही हमारे पास लोकेशन क्या हो गई, फ्री हो गई। लोकेशन फ्री कौन सी हुई थी हमें, यहाँ पर दिस वन इज द kth लोकेशन जहां हमें क्या इंसर्ट करना है, 50। तो सेकंड स्टेप पर हमने क्या लिखा, एक के लोकेशन के ऊपर क्या इंसर्ट कर दिया, आइटम को इंसर्ट कर दिया हमने, आफ्टर इंसर्शन एन इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। दैट्स ऑल अबाउट द इंसर्शन ऑपरेशन।